साथियों, एक ऐसी दुखिया जिसके कोई भाई नहीं था, वो श्री ज्योतराम जी के दरबार में पहुंच जाती है, जाके अरदास करती है, बाबा से विनती करती है कि हे बाबा, तेरी शरण में जो इंसान सच्चे भाव लेकर के आता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी करता है। बाबा मेरे कोई भाई नहीं है, मैंने सुना तेरे दरबार में सबकी इच्छा पूर्ति होती है, बाबा जे मन ने भी एक छोटा सा भाई मिल जाए तो तेरा शान कदे नहीं भूलूं। बाबा ज्योतराम की कृपा से एक नहीं उसका दो दो भाई हुए और खुशी में पागल होकर के बाबा के दरबार में पहुंच जाती है और किस तरह से एहसान जताती है सुनिए भला। मैं क्यों कर शान बुलाऊं हो, तन भाई आयाली कर दी। मैं क्यों कर शान बुलाऊं हो, तन भाई आयाली कर दी। क्यों कर शान बुलाऊं हो, तन भाई आयाली कर दी। तन भाई आयाली कर दी, भाई आयाली कर दी। क्यों कर शान बताऊं हो, तने दुख की बेल कुतर दी। सबने आज बताऊं हो, तने दुख की बेल कुतर दी। मैं क्यों कर शान बुलाऊं हो, तने भाई आयाली कर दी। बता चुकाऊं हो, कर्ज की गठड़ी सिर पैर दर दी। मैं क्यों परेशान बुलाऊं हो, तन भाई आयाली कर दी। किस्मत का तारा खोल दिया, किस्मत का तारा गहरा रमदन कग सरियाड़ा खोल दिया, किस्मत का तारा खोल दिया, किस्मत का तारा। गुरु का शुक्र मनाऊं हो, जो से सच्चे हम दर्दी। गुरु का शुक्र मनाऊं हो, जो से सच्चे हम दर्दी। मैं क्यों कर शान बुलाऊं हो, तन भाई आयाली कर दी। मैं क्यों कर शान बुलाऊं हो, तन भाई आयाली कर दी। क्यों कर शान बुलाऊं हो, तन भाई आयाली कर दी। क्यों कर शान बुलाऊं हो, तन भाई आयाली कर दी।